सारे इधर देखेंगे देखेंगे ओके
अब हर लोगों पकड़ बड़ छलो जीना लो लो प्रजंगा। ये है किरण और ये है मारिया राणा। अब मेरा मतलब है कि हाँ जी डॉक्टर की सैकटरी है डॉक्टर दी तो मैं डॉक्टर नहीं मैं ट्रैक्टर हाँ और इनू मैं क्या कि कैमरामैन बन जा ये कैमरामैन बन जा शहर वाला कैंकर बन गई तो कैमरामैन बन जा पता नहीं बनती है कि नहीं बनती हूँ तुम्हें कहना है हर लपोपो फिर भी छलो जीना लोगों पर जिंदा। आप अपनी फिल्म के बारे में बताएं कभी आएगा हर लपोपो फिर भी छलो जीना लोगों पर जिंदा ये बात अब जगह बात होगा। आप अपने फिल्म के बारे में बताएं। ये है जी हम इस वक्त माशाल्लाह से दो फिल्म्स कर रहे हैं प्यार का पागलपन द मैडनेस ऑफ लव और बिल्लू बादशाह द अंडर कवर ऑफिसर एक पंजाबी एक उर्दू और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं हमारे ग्रेट मुख्तार अहमद ख्वाजा साहब कमाल के इंसान कमाल की पर्सनैलिटी है और इंशाल्लाह ताला एक ऐसी म्यारी फिल्म हम आपको बनाने लेके रहे हैं मलिक साहब। आप यकीन रखिएगा के बिल्लू बादशाह की जो मेकिंग है वो आपको ना तो पाकिस्तानी लगेगी ना इंडियन लगेगी ना हॉलीवुड की लगेगी। फिल्म के जितने भी शोबे हैं थ्री कैमरा शूट हम कर रहे हैं और ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये हमें मुख्तार ख्वाजा साहब ने दी। तो इंशाल्लाह ताला म्यूज़िक जो है आपके लिए या आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि शाज़िया मंजूर साहिबा को दोबारा से उनकी मेहरबानी उन्होंने बड़ी मेहरबानी की हमारे छः के छः गाने जो हैं वो शाज़िया मंजूर साहिबा ने गाए हैं मौसिकार हैं अशफाक अली साहब और शायरी इस नाचीज़ ने की है बासू चौधरी और आपको मज़ा आएगा शम्स राना साहब सहर मलिक साहिबा साइमा चार जब्बार गुजर लाइबा खान एक लंबी लिस्ट है और आने वाले दिनों में आप कुछ नाम मैंने सीक्रेट रखे हैं वो आप सेट पे देखिएगा जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती जाएगी वो लोग आपको सेट पे नज़र आते हैं। प्यार का पागलपन द मैडनेस ऑफ लव हमेशा देखें जी ये जो प्यार का पागलपन है ना जी ये प्यार का पागलपन में से क्या होता है ये जो भी आप हो गए क्या होता है जी प्यार का पागलपन ये तो बोले प्यार का पागलपन तो प्यार का पागलपन ही है हर बल क्या बोला था हर लोगों को गिड़बिड़ छो जीना दो दो परजीटा ये होता है प्यार का पागलपन बोले आप ये देखें जी ये देखें जी तो जिसमें समझ ही कुछ नहीं आता कब शुरू कर दें कंटिन्यू है दोनों कंटिन्यू है क्योंकि प्रोड्यूसर सेम है टीम डिफरेंट है थोड़ी सी आर्टिस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन डायरेक्टर एक है राइटर एक है बहुत मज़ा आने वाला है। आपने हमें पहले भी कवरेज दी है आप हमेशा हमें कवरेज देते हैं हम वहीद मलिक साहब आपकी मोहब्बतों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं स्पेशली मेरे प्रोड्यूसर मेरे बड़े भाई मुख्तार अहमद ख्वाजा साहब बहुत इंस्पायर हैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी और प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। आप आउटडोर गाने करने जा रहे हैं प्यार का पागलपन बिल्कुल जी आप अब मैंने असल में हुआ क्या है मलिक साहब ये भी मैं आपसे शेयर करता जाऊँ कि मैं तो ओपन हार्टेड काम करता हूँ मैं कुछ चीज़ें छुपा के नहीं करता नहीं ये बड़ा चेंज आएगा आपका एक काफ़ी अच्छे के बाद पहाड़ों में जाएंगे हम वहाँ खुला माहौल एग्जैक्टली हम जाएंगे अभी आपको पता है जैसे कि बरसात का मौसम है उसने हमें रोक दिया और मज़े की बात आपको मैं ये भी बताता जाऊँ कि बिल्लू बादशाह के भी सारे ही गाने आप कश्मीर में देखें बड़े अरसे के बाद तो नहीं जा रहे कश्मीर में तो खास अरे सर कश्मीर में गया कोई नहीं है अभी तक नारायण का गान मरी नदिया गली एबटाबाद सारे ही जा रहे हैं तो आप कंटिन्यू दोनों फिल्मों के गाने वहाँ करेंगे यस दोनों फिल्मों पे वहाँ गाने करेंगे सीन भी पिक्चराइज करेंगे जारिया जी जा रही हैं स्क्रीन चेंज कर देंगे जारिया जी जा रही हैं बड़ा कुछ है जी अभी लेट द टाइम कम आपको मैं कुछ चीज़ें ब्रेक करूँगा बड़े लोग हैं जो मिस होंगे और बड़े लोग हैं जो नए आएंगे थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए जी अस्सलाम वालेकुम इस वक्त मैं आया हुआ हूँ यहाँ हमारे दोस्त हैं हैदर और शाह साहब जिन्होंने आज ये स्नूकर क्लब खोला हुआ है स्नूकर ब्रांड के नाम से तो ये बेल्जियम के बंदो फिनाल रोड के ऊपर है तो बहुत खुशी की बात है कि आज इन्होंने बहुत खूबसूरत ये बनाया है बहुत खूबसूरत इवेंट है ये और आज इसकी ओपनिंग है मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करें और ये एक ऐसी चीज़ है स्पोर्ट्स के इसमें स्पोर्ट्स में इंसानों को ना जब भी होता है कि वो स्पोर्ट्स से बहुत सारी चीज़ों से इंसान बन जाते हैं तो आए और आपके कहने ये है जो स्नूकर प्लैनेट बिल्कुल किनार रोड के ऊपर थैंक यू वेरी मच विल वेट फॉर यू टेक केयर बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब की आप सब की
हमारे यहाँ पे आके आपने दुपट्टा गाई, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको सलाम करके सिर दोस्ती के साथ बस आपसे दुआ की गुजारिश है कि आप लोग दुआ में याद रखें ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे देश में दुआ करें। हमने जिस एफर्ट के लिए एफर्ट जो की है आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके आपको तरक्की दे और आप इस तरह के पहले पायनियर थे $1 शॉप के, अब उन्होंने एक नया बिज़नेस निकाला है। ये बिज़नेस तो काफ़ी पुराना है लेकिन हैदर राज मुल्तानी ने एक नए सिरे से किया है इसको। अलावा ये अच्छा बहुत चुनाना तो उसमें वो ये है कि साथ उनके शाहिद भट्ट साहब हैं। शाहिद भट्ट साहब ऑलरेडी इससे रिलेटेड हैं और साथ में तो शाहिद भट्ट साहब का और हैदर राज मुल्तानी साहब का ये पार्टनरशिप है जी। एक अच्छा सिस्टम बन रहा है, हेल्दी काम है, लोगों को नशे से रोकिए, बुराइयों से रोकिए, एक अच्छे खेल की तरफ लेकर आइए, मसरूफ़ रखिए लोगों को। और ये जो मसरूफियत है, ये जो खेल है, ये रॉयल लोगों का खेल, ये बाजे साजे गांवों का खेल नहीं है। आप समझते हैं इस चीज़ को। इट्स अ वेरी गुड साइन के $1 शॉप के पाइनियर होने के बाद अब आप आ रहे हैं बिलियर्ड प्लानट बिलियर्ड नहीं अब इसका नाम उन्होंने बिलियर्ड प्लानट रखा है। और देखिए खूबसूरत एनवायरनमेंट है, बड़ी अच्छी इसकी सारी जो सिस्टम है, इंतज़ाम है। आप देखिए इतने सारे जो हैं यार, ये तो वहीं जाएगी ना। अब एक स्टिक तो मैं हर जगह नहीं लेके जाऊंगा, हर टेबल पर स्टिक। तो कायदे आज़म आपको पता है, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान जिन्होंने माया जिनकी वजह से बना, वो भी बड़े ब्लेड खेलते थे। और उमरा का काम स्टिक पकड़ कर एक शॉट लगानी है। नहीं शॉट अब लगाएंगे हम ओपनिंग शॉट के बाद, इसलिए अभी ओपनिंग शॉट जो है वो काफ़ी देर के बाद लगना है। अब आप और क्या पूछना है मलक साहब, इनके बारे में बताएं, इनके बारे में जो जब सीन सीन चेहरे आपके साथ खुद से बताएं जी। मैं हूँ मानिया राणा, टिकटॉक स्टार नंबर से, और वासु साहब की मुख्य फिल्मों में काम कर चुकी हूँ और काम कर नेहात ही अच्छे इंसान हैं, खुश अखलाक हैं, सीधा दिल है, इज्जत से भर के देने वाले, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। मैं हूँ किरण मारे, टिकटॉक स्टार भी हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ, राइटर हूँ, और बाबू सर की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ, और इनकी इनकमिंग जो फिल्म आ रही है मैं भी वहाँ पर नज़र आ जाऊँ। उसके अलावा पी टी वी में मैंने काफ़ी काम किया अगर कर सकती हूँ, और दुआ है हैदर के लिए कि अल्लाह पाक उसका ये वाला बिजनेस भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, जैसे कि उनका $1 शॉप चल रहा है। और दिल से दुआ है, खुशी भी है कि अल्लाह ताला हैदर को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करें। हैदर राज मुल्तानी हमेशा जो है एक नई सोच लेकर आता है, हट के जिस तरह से आम लोग जहां बिजनेसमैन की सोच ख़त्म होती है, मैं कहता हूं वहां हैदर राज मुल्तानी की सोच जो है वो शुरू होती है। उसका सबूत है कि
चाइना सेल मेला नमाइशें लगाते हुए $1 शॉप तक पहुँचे और अब आप देखिए कि $1 शॉप पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में 22 साल पहले जो पाइनियर हैं, जो मौजूद हैं, जिन्होंने ईजाद किया $1 शॉप को, वो हैदर राज मुल्तानी ही हैं, जिन्हें आप हैदर अली के नाम से जानते हैं। और अब ये जो शाहिद भट्ट साहब जो हैं, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये भी हमारे एक्स फिल्म स्टार हैं और टॉप के फिल्म स्टार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के टॉप के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और माशाल्लाह से अपना लोहा बनवाया है। शान, मोहम्मद राना, साउद, बाबर अली, मैडम संगीता, परवेज राना, सूदी भट्ट साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, ये टॉप लेवल पे इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने अपनी फील्ड को चेंज किया, ये बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए और माशाल्लाह से बड़ा हेल्दी इन्होंने लोगों को उसमें सपोर्ट किया। मैंने भी कोशिश की, मैं काफ़ी मोटा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा भट्ट साहब, बासु साहब आपकी उम्र गुजर गई, अब आप स्मार्ट नहीं हो सकते, ये कोशिश मैंने भी की थी। लेकिन शायद भट्ट साहब का तजर्बा है इसमें, बिलियर्ड में माशाल्लाह से बड़ा अच्छा उन्होंने इससे पहले सिस्टम रन किया है। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि शाहिद भट्ट साहब और हैदर अली का ये जो मिलन है, ये जो मिलाप है, ये कामयाबियाँ लेकर आए, रब्बे करीम इनके रिजक में इजाफा करे। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टनरशिप में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, अल्लाह ताला करे कि ये सर जुड़े रहें और ये एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच बनाएँ और शाहिद भट्ट और हैदर अली इसी तरह से फलते फूलते रहें।